आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाने वाले मेथी के थेपले। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी मेथी के थेपले। सबसे पहले यहाँ पर हमने लगभग आधा कप पालक को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद अच्छी तरीके से उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद अब हम लेंगे किसी भी एक कंटेनर में पानी, पानी की क्वांटिटी लगभग आधा कप होगी और उसमें हम डाल देंगे अपनी एक कप मेथी और उसे मतलब लगभग 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से भी शायद आपको कम ही टाइम लगे क्योंकि मेथी को हमें पकाना नहीं है पूरा, हल्का सा बस उसे उबालना है, मतलब वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर हमें 4 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर हमारी मेथी ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट हुई है ना ही ज़्यादा हार्ड ही रही है। तो चलिए अब हम लेंगे एक बर्तन में या परात में आधा कप के करीब आटा, उसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब बेसन और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छी तरीके से क्रश करके डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश दही। उसके बाद अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपनी उबाली हुई मेथी, पर जो हमने मेथी उबाल के रखी थी हमें उसका पानी मतलब बिल्कुल नहीं निकालना है, हम आटा गूंदने में उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पर हम सबसे पहले मेथी को निकालते जा रहे हैं, उसके बाद आटा गूंदने में उसके पानी को इस्तेमाल करेंगे। तो मेथी डालने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और आटा गूंदते टाइम हम उस पानी का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बचा करके रखा था। और बस हम इसका एक आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। हमें ना ही तो इसका आटा ज़्यादा नरम लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट। यहाँ पर हमारा एक आटा गूंद करके तैयार हो गया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने लगा करके तैयार करा है और ये ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट। उसके बाद अब हम आटे के साथ ले लेंगे थोड़ा सा आटा मतलब सूखा आटा और आटे की बनाएंगे एक छोटी सी लोई, मतलब पराठे के साइज़ की लोई लेनी है हमें इधर। उसके बाद अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे और हमें इसे पतला बेलना है और जब आपको आटे की ज़रूरत हो तब आप इसमें आटा लगा लें, जैसे आपकी लोई चुपके आप जहाँ पर भी मतलब बेल रहे प्लेटफॉर्म पर या फिर चकले पर तो आप उधर आटे का इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पर अब हम इसे अच्छी तरीके से पतला बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एकदम पतला थेपला बनके के तैयार है और यहाँ पर हमने मतलब मीडियम फ्लेम पे तवे को गर्म कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर डाल देंगे हम अपना थेपला और इसे बिल्कुल एकदम पराठे की तरह सेक लेंगे, जैसे हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसे सेक लेंगे।
हमने पहले से दोनों साइड से सेक लिया है, उसके बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल या घी और इसे अच्छी तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे। और बस यहाँ पर हमारा मेथी ना थेपला बन करके तैयार है। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करना, और रेसिपी हमारी कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।